हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सांभर कैसे बनाते हैं। तो सांभर बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए तूर की दाल, इमली का पेस्ट, हल्दी, सांभर मसाला, नमक और सब्जियाँ। ये लौकी की सब्जी, आलू, मिर्च, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और ये गोभी। आप चाहें तो आप और भी ले सकते हैं, और भी सब्जियाँ ले सकते हैं। ये जो इमली का पेस्ट है ये ऐसे बना बनाया भी आता है, और आप चाहें तो इमली भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, ये दाल दाल को अच्छे से धो के, देखिए दाल मैंने कुकर में डाल दी है, तो इसको मैं अब अच्छे से धो लेती हूँ। तो अब देखिए मैंने दाल धो के इसमें पानी डाल दिया है, तो हम इसमें बाकी सामान ऐड कर देते हैं। ये सब्जियाँ एक एक करके सारी सब्जियाँ डाल देते हैं इसमें। ये देखिए सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी। ये मैंने भिंडी ली है, मैंने थोड़ा सा फ्राई कर ली है, तो मैं भिंडी भी डाल देती हूँ इसमें। उसके बाद ये हल्दी, ये सांभर मसाला और ये नमक अपने स्वाद अनुसार आप इसमें ऐड कर दें, और ये इमली का पेस्ट भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। अभी हमने सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं, तो हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हमको 3 से 4 सीटी लगानी है। देखिए अभी ये 4 से 5 सीटी के बाद ही हमारी जो सांभर है ये बन चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, फ्राइंग पैन लेते हैं और इसमें तेल डाला है 1 चम्मच। हमें इसमें सबसे पहले ऐड करनी है राई, तो हम इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखिए अभी हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है, तो हम इसमें राई डाल देते हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए अभी थोड़ा फ्राई हो चुकी है, तो इसमें हम एक कड़ी पत्ता डाल देते हैं। देखिए अब तीनों अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो ये जो हमारा सांभर है इसमें हम इसको डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा सांभर जो है तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।